अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4, ये न्यू बुक है, इसका चैप्टर 9 हेयर कट। ओल्ड बुक में हेयर कट के नाम से चैप्टर 7 है। अगर किसी के स्कूल में वही बुक पढ़ाई जा रही है तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, ग्रेड 4 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसकी इंग्लिश रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन और तमाम क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। आज हम न्यू बुक का चैप्टर 9 हेयर कट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, और लाइक के थम को भी प्रेस कर दिया करें। वाइल्ड रीडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाई वर देयर सो मेनी एंट्स क्रॉलिंग ऑल ओवर दानिश बेड? दानिश के बेड पर इतनी बहुत सी चींटियाँ क्यों रेंग रही थी? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। Danish has eaten cookies sitting on his bed a couple of days ago. The crumbs of the cookies had attracted these ants to the bed. इसका बी साइलेंट होगा, इसको हम क्रम्स पढ़ेंगे। तो दानिश ने एक दो दिन पहले अपने बिस्तर पर बैठकर बिस्किट खाए थे, कुकीज यानी बिस्किट्स, और उनके जो रेजे थे, जो जर्रे थे, उनकी वजह से जो चूंटियाँ थीं वो बिस्तर की तरफ खिंची चली आ रही थीं। अब हम एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 1 के इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे, नोट करें। क्वेश्चन ए, व्हाट डिड दानिश लव टू डू द मोस्ट? दानिश को सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद था? दानिश लव टू प्ले द मोस्ट, दानिश को सबसे ज़्यादा खेलना पसंद था। क्वेश्चन बी है, विच टास्क डिड ही फाइंड द मोस्ट टायरसम? कौन सा काम उसे सबसे ज़्यादा थका देने वाला लगता था? ही फाउंड द टास्क ऑफ क्लीनिंग अप हिज रूम द मोस्ट टायरसम, उसे अपने कमरे की सफाई करने का काम सबसे ज़्यादा तंग करने वाला या थका देने वाला लगता था। क्वेश्चन सी है, व्हाट एडवाइस डिड दानिश फादर गिव हिम बिफोर ईटिंग फूड? दानिश के अबू ने उसे खाना खाने से पहले कौन सी नसीहत की? दानिश फादर एडवाइज्ड हिम टू वॉश हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, दानिश के अबू ने उसे खाना खाने से पहले हाथ धोने का मशवरा दिया। क्वेश्चन डी है, व्हाट डिड दानिश फाइंड क्रॉलिंग ऑन हिज बेड इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड व्हाट हैड दे डन टू हिम? दानिश को आधी रात के वक्त अपने बिस्तर में क्या रेंगता हुआ मिला और उन्होंने उसके साथ क्या किया था? दानिश फाउंड ants crawling on his bed in the middle of the night. They had bitten him all over his body. दानिश ने आधी रात के वक्त अपने बिस्तर में चींटियों को रेंगता हुआ पाया, उन्होंने उसके पूरे जिस्म पर काट लिया था। क्वेश्चन ई है, what happened to दानिश at the park? पार्क में दानिश के साथ क्या हुआ? दानिश got tired in the park and fell asleep under the shade of a tree. Because of his unclean appearance, people thought he was a beggar and began dropping coins in his cap. Park में दानिश थक गया और एक दरख्त की छाँव में सो गया था, तो उसकी जो डर्टी जो उसकी कंडीशन थी, गंदी मंदी हालत की वजह से लोग समझे कि वो एक बेगर है यानी भिखारी है, तो वो उसकी टोपी में सिक्के डालने लगे। क्वेश्चन एफ है, व्हाई डिड दानिश हैड इच ऑल द टाइम? दानिश के सर में हर वक्त खुजली क्यों होती रहती थी? दानिश हैड इच ऑल द टाइम बिकॉज ही हैड लाइस। दानिश के सर में हर वक्त इसलिए खुजली होती रहती थी क्योंकि उसके सर में जुएं पड़ी हुई थी। क्वेश्चन जी है, लिस्ट ऑन द सॉल्यूशंस दैट दानिश मदर सजेस्टेड फॉर हिज प्रॉब्लम्स। दानिश के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उन प्रॉब्लम्स के लिए उसकी मदर ने क्या तजावीज़ दी थी, क्या सॉल्यूशंस पेश किए थे? तो ये आंसर आपने इस तरह लिखना है, दानिश मदर सेड दैट नंबर 1 ही शुड शावर एवरी डे, उसके अम्मी ने कहा कि उसे हर रोज़ नहाना चाहिए। ही शुड वॉश हिज हैंड्स आफ्टर ही हैज़ कम होम फ्रॉम द पार्क, जब भी वो पार्क से घर आए तो अपने हाथ उसे धोने चाहिए। ही शुड ब्रश हिज टीथ आफ्टर ईटिंग कैंडी, कैंडीज वगैरह खाने के बाद, टॉफियाँ स्वीट्स वगैरह खाने के बाद,
उसे अपने दांत साफ करने चाहिए. ही शुड गो टू द बार्बर एंड हैव हिज हेयर कट एंड ही शुड यूज़ द स्पेशलाइज्ड शैम्पू टू गेट रिड ऑफ लाइज. और उसे बार्बर यानी हजाम के पास जाना चाहिए और अपने बाल कटवाने चाहिए और उसे जुओं से निजात हासिल करने के लिए ख़ास जुएँ मारने वाले शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर टू है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. ये लाइन स्टोरी में से ली गई है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स लिखने हैं. वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, ही आस्क्ड हिमसेल्फ लुकिंग बेम्यूज्ड. ये कहाँ से आए, उसने उलझन सदा नजर आते हुए खुद से सवाल किया. आइए इसके आंसर्स अब देखते हैं. हु सेड दीज वर्ड्स एंड वेयर, ये अल्फाज किसने कहे और कहाँ. दानिश सेड दीज वर्ड्स इन द पार्क, दानिश ने ये अल्फाज पार्क में कहे थे. वट इज रेफर्ड टू बाय दीज, दीज यानी जिसका मतलब होता है ये से क्या मुराद है यहाँ. द कॉइन्स आर रेफर्ड टू बाय दीज, ये से मुराद कॉइन्स हैं यानी सिक्के. क्वेश्चन सी है, व्हाई डिड द स्पीकर लुक बेम्यूज्ड, बोलने वाला उलझन सदा क्यों नजर आया. द स्पीकर लुक्ड बेम्यूज्ड बिकॉज ही डिड नॉट नो वेयर द कॉइन्स हैड कम फ्रॉम. तो बोलने वाला इसलिए उलझन ज्यादा नजर आया क्योंकि उसे मालूम ना था कि सिक्के कहाँ से आए हैं. क्वेश्चन डी है, व्हाट डिड द स्पीकर डिसाइड टू डू बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट. इस वाक्य की वजह से स्पीकर यानी बोलने वाले ने क्या करने का फैसला किया. द स्पीकर डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ हिज हाइजीन बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट. इस वाक्य से की वजह से बोलने वाले ने फैसला किया कि वो अपनी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखेगा. एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर वन, इन द टेबल बिलो फ्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच आर गिवन, मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट डेट आर नाउन्स एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स. लुक अराउंड योर क्लास रूम एंड फाइंड मोर नाउन वर्ड्स, राइट देम इन योर नोटबुक. ये जो टेबल दिया गया है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं. तो आपने ये जो लेसन पढ़ा है इसमें से, इसके अलावा आपने क्लासरूम में भी निगाह दौड़ाइए और नाउन्स यानी इसम और ये इसम सिफ्त और फेल तलाश करके यहाँ पर आपने लिखने हैं. आपने सेम ऐसा पैटर्न अपनी कॉपी में बनाना है. नाउन्स के नीचे आपने लेसन में से भी और अपने इर्द गिर्द से भी ढूँढ कर नाउन्स लिखने हैं, जैसे बॉय, टॉयज, गेम्स, पार्क, रोलर ब्लेड्स, बाइक, रूम, मदर, हाइजीन, हैबिट, ईयर, टाइम, हेयर, नेल कटर, नेल्स. अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना के रिटर्न भी आपको दिखा दूंगी. तो अभी आप थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ. एडजेक्टिव्स ये लेसन में से आप लिखेंगे, लिटल, टायरसम, स्मार्ट, वाइज, cleanest, careful, better, messy, fine, great, delicious, full, bemused, clean, proper, poor, unclean, nice, long, बेशुमार adjectives हैं. verbs, love, play, grew up, go, ride, skate, clean, shower, found, scald, seamed, cut, look, care, eat, thought, get वगैरह वगैरह. एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द ऑपोजिट मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स. ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके ऑपोजिट लिखने हैं. मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, नोट कर लें. लास्ट, फर्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली इसका मतलब होता है तकरीबन, इसका ऑपोजिट होगा प्रिसाइसली यानी ठीक ठीक, मनवन, रोज, उठना, फेल, गिरना, करेक्ट, इनकरेक्ट, मैनी, फ्यू, ओपन, क्लोज, स्लोनेस, फास्टनेस, फॉरगॉट, रिमेम्बर्ड. एक्सरसाइज सी, इस हिस्से को अच्छी तरह पढ़ें और समझें, फिर क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट करें. कंप्लीट द फॉलोइंग एट आईएनजी पार्टिसिपल्स एंड एनी अदर वर्ड्स. जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब पार्टिसिपल्स कहलाता है. इन सेंटेंसेस को आप अपनी पसंद के वर्ड्स लगा कर भी कंप्लीट कर सकते हैं. यहाँ से आप सिर्फ आइडिया लें. द मैन कॉट द बॉयज़
stealing money. We spent the afternoon playing cricket. She locked the cupboard while standing on a stool. Question number 2. Write these sentences in the past continuous tense in your notebook. आप अपनी कॉपीज में ये sentences note करें और फिर उन्हें complete करें past continuous tense लगाकर. ज़माना माजी जारी उर्दू में कहते हैं. और उर्दू में इन सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है? उन सेंटेंसेस में, उन जुमलों में रहा था, रही थी, रहे थे आता है. दे वॉक टूवर्ड्स द मार्केट. यहाँ पे वर्ब दिया गया है वॉक, इसके साथ आईएनजी लगा देना है और साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाना है. दे वर वॉकिंग टूवर्ड्स द मार्केट. अंकल रिपेयर हिज रेडियो. रिपेयर के साथ आईएनजी लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे. अंकल वॉज रिपेयरिंग हिज रेडियो. शम्स वेट फॉर द बस. शम्स वॉज वेटिंग फॉर द बस. आई स्लीप व्हेन द लाइट्स वेंट आउट. आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द लाइट्स वेंट आउट. क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज May और should in the sentences given below. पहले may और should को समझते हैं कि वो क्या हैं. May का मतलब होता है हो सकता है, यानी किसी काम का मुमकिन होना या इम्कान और दुआ के मायनों में भी आता है. और should का मतलब होता है चाहिए, यानी किसी काम का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह. I like teaching. I may become a teacher. Jawad is in pain. He should see a doctor. May I help you carry the bag of groceries? Zunaira has an important assignment to submit. She should take the day off despite being ill. Please subscribe my channel.